रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं जी जी, और दूध लेके आता हूँ जी, और बसें मिलती नहीं है। अब हम सड़कों पे खड़े हैं। हमने जाना शोगी से आगे कैथली घाट, एडवांस करते हैं फिर क्या करना, सुधा नहीं रहा है सिटिंग से। सो है एक्चुअली मेरे को गांव जाना है, कुछ इमरजेंसी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय फर्स्ट क्राई शोरूम मंडी, अ बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, हॉस्पिटल रोड मंडी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते जहां सरकारी और निजी कार्यालय बंद किए गए हैं तो वहीं बसों को भी 50% सवारियों के साथ ही चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निजी बसों की हड़ताल के कारण केवल परिवहन विभाग की कुछ ही बसें प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिस कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद भी बसों में जगह नहीं मिली वे पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। लोगों का कहना है कि घंटों बसों का इंतजार करने के बाद भी उन्हें बसों में जगह नहीं मिल रही है, जिसके लिए सरकार को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं जी जी, और दूध लेके आता हूँ जी, और बसें मिलती नहीं है। अब हम सड़कों पे खड़े हैं, जाना हमने शोगी से भी आगे हैं, तो हालात पैसेंजरों के गांव में क्या माहौल है? माहौल तो है ही जी, डर का माहौल तो सबके लिए है क्योंकि महामारी चली हुई है। बाकी करना क्या है जी इसके। आपने वैक्सीनेशन कर दिया जी, टीका लगा दिया? हाँ जी। दोनों टीके लगे हैं? एक एक। कितनी देर से बस का वेट कर रहे थे? बस नहीं मिली? कम से कम एक डेढ़ घंटे से। कहाँ जाना था आपको? हमने जाना शोगी से आगे कैथली घाट, एडवांस करते हैं फिर क्या करना, सुधा नहीं रहा है सिटिंग से। सो है देखो बसेस तो कम ही है और थोड़ा 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है, फॉर द सेफ्टी ऑफ कॉमन मैन ऑल्सो, तो दिक्कत तो हो रही है सर, पर ये हम लोगों के फायदे के लिए ही हो रहा है, तो फिर कोऑपरेट करना। एक्चुअली मेरे को गाँव जाना है, कुछ इमरजेंसी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है सर। हालांकि वैसे तो मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना।